हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। तो सुप्रीम कोर्ट से जो अपडेट ये सामने आ रहा है, फाइनल रिजल्ट सामने निकल गया है और 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग जो स्टार्ट हुई थी टीम रिजवान अंसारी के अनुसार, तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने 40-45% के आधार पर उत्तीर्ण होने वाले शिक्षा मित्रों की सीट को बिल्कुल सुरक्षित रखने के लिए अगली डेट जो है 14 जुलाई लगा दी है कि इस डेट पे फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी शिक्षा मित्रों के पक्ष में। तो 69,000 शिक्षक भर्ती जो है सुप्रीम कोर्ट में 40-45 पासिंग मार्क के सभी जितने भी शिक्षा मित्र हैं, 40-45 पासिंग मार्क के जितने भी शिक्षा मित्र हैं सभी सुरक्षित हैं और अगली डेट जो है 14 जुलाई 2020 को लगाई गई है सीतापुर की जो टीम है, बाकी से सब डेट मिलती रहेगी। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने परोक्ष स्टे दिया, इसे स्टे नहीं कह सकते हैं लेकिन परोक्ष स्टे कह सकते हैं। शिक्षा मित्र के पदों पर 14 जुलाई तक कोई भी भर्ती नहीं हो सकेगी, न ही उन्हें हटा सकेंगे। सरकार एक चार्ट बना के बताए कि 40-45 पर कितने भर्ती हो पा रहे हैं। 6 जुलाई तक का हलफनामा सबमिट करने को बोला गया है क्योंकि सभी पार्टी 14 जुलाई को फाइनल सुनवाई करेगी। तो ये तो रही अब तक की अपडेट, बाकी 14 जुलाई को देखते हैं क्या होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, क्या मिलेगा स्टे, क्या शिक्षा मित्रों का सीट रहेगा रिजर्व, क्या शिक्षा मित्रों का जितना भी सीट है वो शिक्षा मित्रों को ही मिलेगा या दूसरों को भी मिल पाएगा। बाकी जो बीएड के विपक्ष में जो याचिका दायर की गई थी उसे कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि बीएड को इस भर्ती से बाहर करने के लिए जो याचिका दी गई थी उसको निराधार मानते हुए जज साहब ने उसको रद्द कर दिया है। धन्यवाद।